हरियाणा कांग्रेस के एक नेता ने अपने बेटे को सेट करने के लिए हरियाणा अपसेट कर दिया। दलित समाज के नेताओं का अपमान कांग्रेस में जारी है। चुने हुए वरिष्ठ नेताओं का दलित समाज से आने वालों के ऊपर जो टीका टिप्पणी हुड्डा समर्थकों ने और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने की है, और जो महिलाओं के प्रति बार बार टिप्पणियां कर रहे हैं, और जो अपना घर भरने की पहले बात कर रहे हैं, और जो कहते हैं 50 वोट पे एक नौकरी देंगे, कोटा 2000 नौकरी का हुड्डा जी ने दे दिया है, तो मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि क्या उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को सरकारी नौकरियों का कोटा बांटा है? क्या 50 वोट पर एक नौकरी देने की बात कही है? और क्या कांग्रेसियों को अपने घर भरने की खुली छूट का आइडिया राहुल गांधी जी ने दे दिया है? सवाल ये खड़ा होता है कि दलितों के घर जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में जलाए गए, हुड्डा जी की सरकार में दलित बेटियों के साथ अत्याचार बलात्कार हुए, क्या दलित समाज और हरियाणा के लोग क्या वापस बहन बेटियों की इज्जत को खतरे में डालने का काम करेंगे? अनुराग जी पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, आप क्या रहने वाला है इस चुनाव में? हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हैट्रिक लगेगी। दलाल और दामाद का जलवा जलाल जो हुड्डा सरकार में होता था और दलितों का अपमान होता था, अब दलाल दामाद की सरकार कांग्रेस की नहीं आने देंगे। दलितों का अपमान करने वाली कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। सबका साथ सबका विकास और हरियाणवी वासियों का कल्याण, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आएगी। कमल का फूल साहब, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि लोकसभा में तो हमने आधे में रहे, परंतु विधानसभा में हम बाजी जरूर मारेंगे। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कांग्रेस पार्टी के, एक अनार 100 बीमार कांग्रेस पार्टी में एक मुख्यमंत्री को पद को लेकर सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई घर बैठ गया है, कोई खराब बयानबाजी देता है, कोई बहनों की बेइज्जती करता है, महिलाओं की बेइज्जती करता है, तो इससे स्पष्ट पता चलता है। और घर भरने के लिए, नौकरी बांटने के लिए अभी से ही घोटालों की बात शुरू हो गई है। अभी घर बसानी लुटेरे पहले पहुंच गए हैं।